तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में, जिसका शीर्षक है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे यहाँ जो अतिथि पधारे हैं उनका नाम है सुमन त्रिवेदी, और वो हैं एक पैरालीगल वॉलेंटियर, दिल्ली में डालसा से वो रिलेटेड है, और साथ ही साथ वो राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित है स्काउट एंड गाइड्स में। तो आज हम आपको पहले जरा सा इस विषय के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे लीगल सिस्टम के अनुसार प्रथम दृष्टया जो आरोपी होता है उस व्यक्ति को निर्दोष ही समझा जाता है, उसको हम पहले से ही दोषी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसीलिए उसके कई सारे राइट्स हैं। जैसे कि जब आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आपके पास है कि आप पुलिस से जान सकते हैं कि आपका क्या राइट है, अरेस्ट का जो ग्राउंड है, पुलिस आपको जिस बेसिस पे अरेस्ट कर रही है उसका क्या पुलिस आपको पूरा रीज़न देगी। और उसके बाद है राइट टू साइलेंस, जब आपसे पूछताछ होती है तो आपके पास ये राइट है कि आप उस समय साइलेंस रहें, आप ना बताएं जो कई सारी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट कोर्ट में बता सकते हैं। और उसके बाद है पुलिस आपको ज़रूर बताएगी कि आपको क्या कहते हैं बेल का अधिकार है, आपको इस धारा के अंतर्गत उठाया गया है और इसमें आपको बेल का अधिकार है कि नहीं है, यह पुलिस आपको संपूर्ण जानकारी देगी। दूसरा है कि पुलिस को जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है पुलिस को, तो यह अधिकार आपको पता होना चाहिए। और इसी तरीके से आपको क्या कहते हैं जो हमारी पिछली वेबिनार थी जिसमें हमने फ्री लीगल एड के बारे में आप लोगों को बताया था, उसका यही मकसद है कि आपको यह अधिकार है कि आप सीधे सीधे कानूनी अधिवक्ता जो हैं उनसे संपर्क कर सकें और उसके बारे में पुलिस आपको पूरी छूट देगी, पूरा जानकारी देगी, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फिर फ्री लीगल एड की सहायता दी जाएगी। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का और अपने मुख्य अतिथि सुमन त्रिवेदी का कि वो इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय में। सुमन जी, शुक्रिया अरविंद जी। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि आज जो वेबिनार है ये सरेंद्र जी के द्वारा, अरविंद जी के द्वारा और लोमन जी के द्वारा संभव हो पाया है, और ये नीति मंथन का एक इनिशिएटिव है। तो इसमें आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये आपका दूसरा वेबिनार है। पहला वाला वेबिनार लोमन जी ने कंडक्ट किया था जिसमें आपने फ्री लीगल एक्ट के बारे में समझा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अरेस्ट, कस्टडी और डिटेंशन में इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अरेस्ट क्या होता है, जब आपको कोई अथॉरिटी जिसे लॉ ने उसको उपयुक्त कर रखा है, उसके लिए उसे अथॉरिटी दे रखी है जो आपको अरेस्ट कर सके लीगली, वो होता है अरेस्ट। और कस्टडी क्या होता है, कस्टडी क्या होता है, जो कोर्ट्स ग्रांट करती है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, दो प्रकार की होती है। तो जब कोर्ट ग्रांट करती है किसी चीज को कस्टडी तो उसे बोलते हैं कस्टडी, उसमें मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी मिलती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि जब ये पुलिस ये समझती है या कोई अथॉरिटी ये समझती है कि आपके द्वारा भविष्य में कोई गलत काम किया जा सकता है जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो सकती है, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेती है। ठीक है, और अब मैं बताऊंगा आपको एक्यूज्ड, कन्विक्टेड और अरेस्टेड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हम जब किसी पे आरोप लगाए कोई, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए पे मैंने आरोप लगाया कि उसने मेरे घर चोरी की है, तो ये आरोप उस पे लग गया तो एक्यूज्ड बन गया। जिस पर भी कोई भी आरोप लग जाए वो एक्यूज्ड बन जाता है। कन्विक्टेड क्या होता है, CONVICTED, कन्विक्टेड क्या होता है कि जब कोर्ट मुकदमा के बाद, ट्रायल के बाद जब गिल्टी करार देती है किसी को, तब वो होता है कन्विक्टेड। और अरेस्टेड क्या होता है, अरेस्टेड ये होता है जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम में एक प्रिजम्पशन फॉलो किया जाता है। प्रिजम्पशन क्या है, इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड टिल ही इज फाउंड गिल्टी, यानी कि जब तक मुकदमे के बाद, ट्रायल के बाद कोर्ट, जज उसको गिल्टी ना करार दे दें, तब तक एक्यूज्ड को हम इनोसेंट मानेंगे। ठीक है, तो और ये भी बता दूं आपको कि हमेशा मुकदमे के दौरान, ट्रायल के दौरान हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करे हमेशा से। ठीक है, अब देखिए इसकी थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा किया गया। देखिए, हमारा जो इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम है
वो एक्यूज्ड के प्रति बहुत लीनियंट है, बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया गया, क्या है, व्हाट इज जनरल थ्योरी बिहाइंड दिस प्रिजम्पशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिजम्पशन, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। देखिए, गवर्नमेंट के पास इनर्मस सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, ह्यूज मशीनरी है, किस चीज के लिए, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उन पर मुकदमा चलाने के लिए, उनकी ह्यूज मशीनरी है। और इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इंडिविजुअल्स को कुछ सम प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल्ड किया है। सो इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल्ड टू सम प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज ऑफ दोज पावर्स, मतलब कि गवर्नमेंट को जो पावर दिए गए हैं उसका वो मिसयूज ना कर पाए, इसलिए इंडिविजुअल्स को कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। उसी प्रोटेक्शन में जो राइट्स हैं, मैं आज उनकी चर्चा करूंगा, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या एक चीज फॉलो होती है इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम में, क्या मुझे लगता है कि सारे देशों में ज्यादातर ये चीज फॉलो की जाती होगी कि एक भी निर्दोष व्यक्ति सजा ना पा जाए, भले ही सैकड़ों दोषी छूट जाए, ठीक है। तो वही मैंने जैसे पहले बताया आपको कि इंडियन क्रिमिनल लॉ इज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल, ठीक है। एक केस हुआ था किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1980 का केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द डिग्निटी ऑफ एक्यूज्ड शैल बी गिवन द टॉप मोस्ट कंसिडरेशन एंड इट ऑलवेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मतलब कि इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे, वो कहीं से वो भंग ना हो पाए, ठीक है। दूसरा केस है एक मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द स्टेट मस्ट देयरफॉर बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, जो भी प्रोसीजर ये अडॉप्ट करेगी गवर्नमेंट वो फेयर होगा, जस्ट और रीजनेबल होगा, किसके प्रति, इंडिविजुअल्स के प्रति। अब हम अपना फर्स्ट राइट जो है, मैं बारी बारी से सभी राइट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पहला राइट क्या है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सबसे पहला क्या है कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आई है तो ये आपका अधिकार है कि आपको किस आधार पर वो अरेस्ट कर रही है, ये आपका राइट है। ये राइट आपको संविधान भी देता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी आपको प्रदान करता है। अब मैं बताता हूँ क्या है आर्टिकल, संविधान में क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट किया जाता है, जिसे कस्टडी में लिया जाता है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको उसके ग्राउंड्स बता दिए जाएंगे कि किस बिना पे वो अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसके वायलेशन में आप रिट डाल सकते हैं सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। आते हैं जो आपका राइट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया है, सेक्शन 50 क्लॉज 1 में दिया है। इसमें क्या दिया है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फॉरथविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। देखिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो वारंट और बिना वारंट वाला क्या चक्कर है। ऑफेंस जो होते हैं, अपराध, ये दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। आपने कई बारी देखा भी होगा स्टेशन के बाहर या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के बाहर या रेलवे स्टेशन पे कहीं लिखा होता है कि चोरी करना ये जुर्म है और ये संज्ञेय अपराध है, या आपने इस तरह से कहीं लिखा हुआ देखा होगा। संज्ञेय का मतलब होता है कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, वो ये डिवाइड जो किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है इन दो में, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में, ये इसकी गंभीरता को देखकर किया गया है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस के पास ये पावर है कि बिना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए, ठीक है, बिना वारंट इशू हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो आपको अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल में इसका ठीक उल्टा है, यानी कि पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए उसके पास, सेक्शन 50 क्लास 1 में बता रहा था कि सीआरपीसी में भी ये राइट दिया गया है आपको कि अगर पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही है तो जितनी जल्दी हो सके आपको ग्राउंड्स बताएगी कि किस बिना पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद ये विदाउट वारंट वाला था, अब आते हैं विद वारंट। सेक्शन 75 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट
shall notify the substance to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. अब देखिए ये with warrant वाला है कि अगर पुलिस आपको वारंट के साथ अरेस्ट करने आती है तो आपको पहले तो आपको ग्राउंड्स बताएगी कि हम किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट करने आए हैं, और उस पर भी अगर बात नहीं बनती है तो आपको वो वारंट दिखाएगी. ये सेक्शन 75 में क्लियरली लिखा हुआ है. तो इस तरह से इंडिविजुअल्स का, एक लेमैन का ये राइट बन जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. इसके जरिए ये आपका राइट बन जाता है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करने आए या पुलिस क्या कोई भी अथॉरिटी सीबीआई आईबी कोई भी अरेस्ट करने आए तो वो आपको ग्राउंड्स बताएगी सबसे पहले कि किस बिना पे आपको अरेस्ट कर रही है, आपका जुर्म क्या है. अब ये बताऊंगा मैं कि ये कितना इसका क्या वो है, इम्पोर्टेंस क्या है, इस राइट की इम्पोर्टेंस क्या है. देखिए दिस इज ए प्रीसियस राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. ये बहुत ही प्रीसियस है. अगर आपको पुलिस बिना आपको बताए ग्राउंड्स के आपको उठा के ले चली जाती है, अरेस्ट कर ले जाती है, तो ये एक तरीके से इररेगुलरिटी होगी, ये अनलॉफुल अरेस्ट हुआ आपका, ठीक है. और दूसरा क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे पुलिस किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रही है तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी आप जा सकते हैं. दूसरा क्या है, अगर आपको रिट डाल सकते हैं, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप रिट डाल सकते हैं. जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. और अगर आपको आपके ग्राउंड्स पता चल जाएंगे तो आप अपने डिफेंस की तैयारी शुरू कर देंगे कि डिफेंस मुझे क्या लेना है. तो इस राइट से ये फायदे हैं कि आप इंडिविजुअल्स जो है एज अ लेमैन, आपको ये तीनों फायदे हैं. अब एक केस हुआ था इसमें जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इन दोनों के बाद इन दोनों में डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन दोनों केस में इंडिविजुअल्स के फेवर में आया, यानी कि इंडिविजुअल्स के राइट किसी भी हालत में वायलेट नहीं होने चाहिए. तो इसके बाद सेक्शन, इन दोनों केस के बाद जब गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने सेक्शन 58 इंसर्ट किया. जो इंसर्ट हुआ था, जो इफेक्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 23 जून 2006 से. अब देखिए सेक्शन 50A में क्या है, तो सेक्शन 50A क्लॉज 1 में क्या है कि जब अरेस्ट होता है कोई बंदा तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. किसे दी जाएगी, अरेस्ट हुए बंदे को, उसके फ्रेंड्स को, या फिर रिलेटिव को, या फिर जो अरेस्ट बंदा बोल रहा उसकी चॉइस के किसी बंदे को, किसी पर्सन को. और ये ऑब्लिगेटरी प्रोविजन है, इसको पुलिस को मानना ही पड़ेगा. तो अभी तक मैंने बताया ग्राउंड्स बताएंगे किसे जो अरेस्ट हो रहा है, उसके बाद ये बताया जाएगा कि वो किस बिना पे अरेस्ट हो रहा है और कहां ले जाया जाएगा. ये किसे बताया जाएगा, उसके फ्रेंड्स को, या फिर उसके किसी रिलेटिव को, या फिर उसकी चॉइस के किसी पर्सन को. और जिसे बताया जाएगा, जिस भी पर्सन को ये बताया जाएगा कि ये पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है, एक्यूज जो अरेस्ट हो रहा है, ये किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट हो रहा है और ये कहां ले जाया जाएगा, ये सारी डायरी में एंट्री होगी. जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि वो उनको पुलिस स्टेशन में जैसा प्रोवाइड करा पाएगी, वो डायरी में एंट्री की जाएगी. ये 50A क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है. अब आते हैं आपके सेकेंड राइट पे. ये फर्स्ट राइट कंप्लीट हो गया. यहाँ से सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में हो तो वो आप कहीं भी लिख सकते हैं या याद या अपने मन में रख सकते हैं. जब ये सेमिनार खत्म होगा तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लूंगा, उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. तो ये बेल वाला प्रोविजन जो है, ये राइट जो है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिफरेंस बेलेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस. देखिए बेलेबल ऑफेंस में ये भी देखिए अपराध की गंभीरता को देखकर किया गया है, ठीक है, उसकी सीरियसनेस को, ऑफेंस की देख को ये क्लासिफिकेशन किया गया है. अब आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या किसी सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जो किसी चीज में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ये सारे गंभीर अपराध माने गए. तो ये जो है ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है कि आपका कोई राइट नहीं है. आप बेल करने के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं कि आपको बेल मिल जाए, लेकिन जज के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्क्रिप्शन रहेगा. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर हमेशा डिस्क्रिप्शन रहेगा. वो आपके इस एप्लीकेशन पे विचार करेगी, आपकी हिस्ट्री देखेगी, या आपकी ये रिलीज, बेल पे रिलीज होने के बाद किसी तरह का व्यवधान तो नहीं उत्पन्न करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, आप विटनेस को डराएंगे धमकाएंगे तो नहीं. ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद आपको बेल मिलेगी. लेकिन ठीक दूसरी तरफ इसके उलट बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट है. आप अरेस्ट हुए, आपने कोई बेलेबल
जो क्राइम हुआ बिलेबल ऑफेंस वो कारित किया है, और तो आप अप्लाई करेंगे और जज आपको बिल देगा। मैं बता देता हूँ यही सेकेंड राइट जो आपका है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसमें देखिए सेक्शन 50(2) क्या बोलता है, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए दो चीज गौर कीजिएगा, विदाउट वारंट और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड इन बेल दैट ही मे अरेंज फॉर सिक्योरिटीज ऑन हिज। ठीक है, जब भी पुलिस आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करेगी तो ये आपका अधिकार है सेक्शन 50(2) का, कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो ये आपका राइट है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज का इंतजाम करें, आपको बेल मिल सकती है। और ये देखिए, दिस इज वेरी हेल्पफुल प्रोविजन फॉर द पर्सन हु डज नॉट नो अबाउट देयर राइट्स टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इन केस ऑफ बेल। ये बहुत ही मददगार है जिसको नहीं पता है कि बेलेबल ऑफेंस में हमें बेल मिल सकती है, किस तरह मिल सकती है। तो अगर पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया है और उसे बताया है, तो उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट राइट पे, थर्ड राइट टू साइलेंस। तो थर्ड राइट आपका है राइट टू साइलेंस। देखिए राइट टू साइलेंस क्या है, ये बहुत ही नेसेसरी है फेयर ट्रायल के लिए। ठीक है, तो राइट टू साइलेंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ दैट अ सस्पेक्ट और एन एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी मेयरली बिकॉज ही हैज रिफ्यूज्ड टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द पुलिस और बाय द कोर्ट। तो राइट टू साइलेंस क्या बोल रहा है कि सिर्फ इस वजह से आपको सजा नहीं हो सकती है, आप दोषी करार नहीं दिए जा सकते हैं कि आपने अपना मुंह बंद रखा जब पुलिस या कोर्ट ने आपसे क्वेश्चन पूछे। ये आपका अधिकार है कि आप चुप रहें, आपका जब मन करे तब बोले, जिस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे उस क्वेश्चन का आंसर दें। और ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज एवरी पर्सन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20(3). क्या बोलता है 20(3), नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कि 20(3) के अनुसार कोई भी एक्यूज्ड पर्सन खुद के खिलाफ, यानी कि खुद अपना गुनाह कबूल करे, इसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। और ये एक केस भी था इसमें, नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी केस है, 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, नो वन कैन फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एक्यूज्ड Who has the right to keep silent during the course of interrogation? ठीक है, हम फोर्स नहीं कर सकते accused को कि वो स्टेटमेंट दे ही दे अपने हिसाब से। पुलिस अपनी सुविधा अनुसार ये accused के कंपेल नहीं कर सकती है कि उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है उस चीज को, कोई चीज फाइंड की है, कोई फैक्ट फाइंड किया है, उस चीज को accused स्वीकारे ही, इस किसी चीज के लिए हम कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो 2010 इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब क्या है, ये वायलेट करते हैं 20(3) को। ठीक है, तो जब ये हमें करने होंगे, क्या नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो इसमें हमें एक्यूज्ड की परमिशन लेनी होती है, बिना एक्यूज्ड की परमिशन के हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियरली 20(3) का वायलेशन होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट होने की दशा में आप रिट डाल सकते हैं। आते हैं राइट नंबर 4 पे, राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। ये क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ एवरी अरेस्ट वेदर द अरेस्ट हैज बीन मेड विद और विदाउट अ वारंट टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन दिस केस। यानी कि बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे, किसी भी, जब हम पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, उसको इन्फॉर्म करेगी। ये जो है सेक्शन 56 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 76, ये इन दोनों में क्लियरली लिखा हुआ है। सेक्शन 56 में क्या दिया हुआ है कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होगा, तो सब इंस्पेक्टर ने अगर अरेस्ट किया है, तो वो SHO को तुरंत बिना किसी देरी के, बिना किसी रीजनेबल डिले के, अनरीजनेबल डिले के, तुरंत SHO को इन्फॉर्म करेगी।
सेक्शन 56 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी। अगर किसी जूनियर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया है तो अपने स्टेशन हाउस इंचार्ज को इन्फॉर्म करेगी। और सेक्शन 76 में क्या दिया हुआ है कि अगर पुलिस किसी को विद वारंट अरेस्ट कर रही है तो वो बिना किसी देरी के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आते हैं नेक्स्ट राइट पे, राइट नंबर 5, राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी। इसके लिए मैं पढ़ना होगा सेक्शन 57। सेक्शन 57 में क्या है, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, डिटेन किया जा रहा है, वो क्या होगा, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत किसी जुडिशियल स्क्रूटनी में हमें उसे ले जाना पड़ेगा, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और है कि जो हम समय लगाएंगे जर्नी में, यानी कि पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक जो समय लगाएंगे वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो सेक्शन 57 में यह लिखा है कि हमें 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसके सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है 22 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर ये 24 घंटे के ऊपर हो जाता है, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर वो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के बाद जैसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्दर ऑर्डर देगा वैसा काम करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद भी अपने पास रखा, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया, तो आप, ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और आप रिट होती है हैबियस कॉर्पस की, उसके तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक केस भी हुआ था इसका, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981, खत्री सेकंड है यहाँ पे, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। ठीक है, इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्गली कहा था स्टेट से और स्टेट की सारी पुलिस अथॉरिटीज से, सारे स्टेट से और सारी पुलिस अथॉरिटीज से, कि ये अगर ओबे नहीं किया गया, ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का और सेक्शन 57 का, अगर ये ओबे नहीं किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर शैल बी हेल्ड गिल्टी फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो दोषी है कि उसने अवैधानिक तरीके से इनलीगली किसी को डिटेन रखा। एक और केस था इसमें, पुवाल वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि यदि मान लीजिए किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया और 24 आवर्स के बाद भी उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस नहीं किया, तो उस स्थिति में एक चीज और है कि यदि उस ज्यूरिसडिक्शन के या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को यह खबर मिलती है या कंप्लेंट मिलती है, कंप्लेंट मिलेगी किसकी तरफ से, उसके मित्र दोस्त परिवार वालों की तरफ से मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो संबंधित पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उससे पूछताछ करेगा, उससे इंक्वायरी करेगा कि क्या ये सत्य है, जो आरोप आपके लगाया जा रहा है क्या ये सही है। तो ये पुवान वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। नेक्स्ट राइट पे आते हैं आपका, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। इसमें क्या होता है कि आपका ये राइट है कि आप किसी भी वकील से या मान लीजिए वो लीगल प्रैक्टिशनर है, किसी भी चीज में लीगल प्रैक्टिशनर है, तो उससे आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। ये भी आपका राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट एज वेल एज प्रोसीजरल राइट भी है। तो इसमें क्या है, बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस ऑफ द कोड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरी अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अगर देखा जाए ये प्रोसीजर में तो सेक्शन 303 में, 303 में, धारा 303 में ये क्लियरली लिखा हुआ है और संविधान के अनुच्छेद 22 उसका सब क्लॉज 1 इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आपका अधिकार है, अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार होता है कि उसकी चॉइस का, उसकी इच्छा अनुसार वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है। और ये राइट कहां से स्टार्ट होता है, दिस राइट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ अरेस्ट।
जिस टाइम से, जिस मोमेंट से, जिस क्षण से आप अरेस्ट हुए हैं, उसी टाइम से, उसी क्षण से ये राइट स्टार्ट हो जाता है कि आप किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें। एक देखिए, एक 41D, ये न्यूली इंसर्ट है, ये न्यूली इंसर्ट किया गया है इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ये 2009 में ही इंसर्ट किया गया है। इसमें देखिए क्या है कि आप इंटेरोगेशन के दौरान भी मिल सकते हैं अपनी चॉइस के एडवोकेट से, लेकिन इसमें थोड़ा एक कंडीशन है, एक बाउंडेशन है कि पूरी इंटेरोगेशन के दौरान नहीं। आप मान लीजिए पुलिस आपका इंटेरोगेट कर रही है, आपको, आपसे पूछ रही है, तो अगर आप चाहें तो बीच में, इंटेरोगेशन के बीच में आप अपने वकील से मिल सकते हैं, उसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हम किस, ये पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, उसमें क्वेश्चन पूछ रही है, उसके जवाब क्या दें, इस चीज को लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये 41D है, ये नया इंसर्ट किया गया है। ये 6 राइट भी आपका हो गया, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। 7 नंबर राइट, अगला नेक्स्ट राइट पे आते हैं आपका, जो अरेस्टेड पर्सन के राइट है। 7 नंबर राइट में क्या है, राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन टू फ्री लीगल एड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, जो मेरे नॉन लीगल ग्राउंड उसके दोस्त हैं, जो भी मित्र लोग हैं, जो भी ज्वाइन किए हैं, उनको बता दो, इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन या गरीब या जरूरतमंद। तो ये क्या है, जो निर्धन, गरीब, जरूरतमंद, इंडिजेंट पर्सन है और वो अगर अरेस्ट हुआ है तो उसका अधिकार है, क्या अधिकार है, कि फ्री लीगल एड उसे मिले और इसके बारे में उसे बताया जाए। क्योंकि बहुत कम लोग होंगे, मुझे भी ये 12th के बाद ही पता चला था, 12th या ग्रेजुएशन के बाद कहें, ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे पता चला था कि ये फ्री लीगल एड वाला भी कोई सिस्टम होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होती है, इस चीज में अवेयर नहीं है, या उनको जानकारी नहीं हो पाती किसी वजह से। तो उसको, ऐसा बंदा, ऐसा कोई पर्सन, वो अगर अरेस्ट होता है तो उसे ये बताया जाए कि आपका ये राइट है, फ्री लीगल एड आपका राइट है। किसमें दिया हुआ ये, ये आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, ये फ्री लीगल एड वाला प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें देखिए केस था खत्री वर्सेस छेड़ा बिहार, वही केस है ये। तो इसमें क्या हुआ था, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एन इंडिजेंट अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये रूल किया है, ये डिसीजन दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इंडिजेंट अक्यूज्ड पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए और उसे इन्फॉर्म किया जाए। और ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है, ये कब से स्टार्ट होता है, ये उसी समय से, उसी क्षण से स्टार्ट हो जाता है, उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाता है जब एक्यूज्ड पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। इसके बाद देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्यूटी ड्यूटी कास्ट की है मजिस्ट्रेट के ऊपर। क्या ड्यूटी कास्ट की है, कि कोर्ट की और मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि कोई इंडिजेंट एक्यूज्ड पर्सन उनके सामने लाया जाए तो वो इस राइट के बारे में उन्हें बताएं। ठीक है, कौन सा राइट, फ्री लीगल एड वाला, ये राइट। मान लीजिए कोई गरीब बंदा किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो वकील करे, वो एकदम अनपढ़ है, उसे पता नहीं किस प्रोसीजर से हमें बेल मिलेगी या किस तरीके से वो छूट सकता है, इन सब चीजों को लेके आगे क्या किया जाए, वो कब तक रहेगा, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्यूटी कास्ट की है इसके ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर, कि उनके समक्ष, उनके बिफोर कोई भी इंडिजेंट एक्यूज्ड पर्सन लाया जाए तो वो उन्हें फ्री लीगल एड के बारे में बताएं। तो एक केस था इसमें सुखदास वर्सेस यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 का। तो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली लेट डाउन किया था कि अगर इंडिजेंट पर्सन अप्लाई नहीं कर पाया किसी वजह से तो ये राइट, ये नहीं कि मना कर दिया जाए उसे, ये राइट उसे मना नहीं किया जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, दूसरा मतलब मैं बताऊंगा, कि अगर किसी वजह से इंडिजेंट पर्सन को ये फ्री लीगल एड, उसके डिफेंस में कोई नहीं आ पाया, इंडिजेंट पर्सन है एक्यूज्ड, तो उसके डिफेंस में, उसके 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 लिए लड़ने वाला, उसके लिए कोर्ट में
खड़ा होने वाला कोई वकील की तरफ से अपनी दलीलें देने वाला कोई वकील नहीं आ पाया तो ये और उस पर सजा हो जाए तो वो सजा तक साइड कर दी जाएगी। एक बात लिख लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए कि कोई गरीब बंदा है उसको सजा हो जाती है और उसका वकील नहीं पहुंचा कोर्ट में, उसको सजा हो गई और फिर लिए तो उसके बाद क्या होगा, उस सजा तक उसकी सेट असाइड कर दिया, सेट असाइड मतलब वॉइड हो जाएगी, खाली हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि वो इंडिजेंट पर्सन खुद रिफ्यूज ना करे। देखिए अंतर समझिए कि एक होता है अप्लाई न करना या न कर पाना और दूसरा होता है रिफ्यूज करना। रिफ्यूज करने वाला मना करना और अप्लाई न कर पाना ये इस कंडीशन में भी हो सकता है कि उसे इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो अगर जानकारी नहीं थी और वो नहीं कर पाया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। इस प्रोविजन में सजा तक आपकी सेट असाइड कर दी जाएगी या फिर क्लियरली जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इस चीज को रिफ्यूज करे कि हमें फ्री लीगल एड नहीं चाहिए, ठीक है मेरी तरफ से कोई वकील नहीं आएगा, जो भी ये वकील साहब मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, जो भी इल्जाम लगा रहे हैं स्वीकार करते हैं, तो उस दशा में ऐसा हो सकता है अथवा नहीं। नेक्स्ट देखिए, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है सेक्शन 54 क्या है इसमें, 54 क्लास 1 में क्या दिया हुआ है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज अ राइट टू एग्जामिन सून आफ्टर द अरेस्ट बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन अगर वो अरेस्ट किया जा रहा है तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिन्ड किया जाएगा, ठीक है ये उसका राइट है। और आखिरी में इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे क्वेश्चन भी लेने हैं। और अगला आपका है राइट्स एट ट्रायल, तो ये ट्रायल के दौरान आपके क्या राइट्स होते हैं। नंबर एक होता है कि आपको फेयर ट्रायल, आर्टिकल 14 ये गारंटी देता है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एवरीवन, ठीक है सभी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं तो आपको फेयर ट्रायल के लिए मौका दिया जाएगा। दूसरा है राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, ठीक है तो समन्स केस में इसमें होता है कि 6 महीने के अंदर ट्रायल के दौरान पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, समन्स केस क्या होते हैं कि 2 साल तक जिसमें सजा होती है उनको बोलते हैं समन ट्रायल। हालांकि ये एक्सप्रेसली नहीं दिया है कहीं पे, डायरेक्टली या क्लियरली नहीं लिखा हुआ संविधान में स्पीड ट्रायल वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करती है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन जो मैं वो पहले बता दूं जो मेरे पास आए हैं पहले से, मैं उनको लूंगा फिर उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सलीन सिंह का, क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इफ समवन हैज बीन अरेस्टेड एंड हिज फैमिली गोज टू पुलिस स्टेशन देन पुलिस सेड टू हिज फैमिली दैट दे हैव लेफ्ट देम After inquiry, but he is not reached home. What further steps can be taken by his family? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इनका ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें ये पूछ रहे हैं ये कि जब कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है और अगर फैमिली वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं उस पर्सन की खोज में, उसकी पता लगाने, तो और पुलिस ये बोलती है कि हमने उसको छोड़ दिया है, तो उस स्थिति में फैमिली वालों के पास क्या विकल्प है, क्या उपाय है, वो क्या करें, ये सलीन सिंह का क्वेश्चन है। देखिए तो अगर पुलिस के ऊपर डाउट है कि उसने इलीगली डिटेन कर रखा है उस पर्सन को, इलीगली डिटेन मतलब डायरी में कहीं एंट्री नहीं, ठीक है किसी को, किसी ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताए बगैर, स्टेशन हाउस इंचार्ज को बताए बगैर, किसी पुलिस ऑफिसर ने, जूनियर पुलिस ऑफिसर ने या स्टेशन हाउस इंचार्ज ने स्वयं किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है, तो आपके पास क्या है, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप एसपी के पास जाइए, जो आपके एरिया का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो उसके पास जाइए, एप्लीकेशन दीजिए तो वो कार्रवाई करेगा। अगर वो भी नहीं सुनता है तो फिर मेरे हिसाब से आप रिट डालिए, हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट होती है, आप रिट डाल सकते हैं। और अगर डाउट पुलिस पे नहीं है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया, उसके बाद अगर वो कहीं चला गया या कहीं गुम हो गया, किडनैप हो गया है, तो आप मिसिंग कंप्लेंट लिखा सकते हैं, ठीक है पुलिस वालों के। अगर मिसिंग कंप्लेंट पुलिस वाले ना लिखे तो फिर आपके पास फिर वही उपाय है कि आप अपने एरिया के एसपी के पास जाइए, और अगर एसपी भी अगर उस चीज को नहीं सुन रहा है तो आप 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं एप्लीकेशन लेके कि हमारी एफआईआर लिखी जाए, ये मिसिंग वाली कंप्लेंट लिखी जाए, ये पुलिस नहीं लिख रही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इज देयर एनी लॉ सजेस्टिंग कंपलसरी एफआईआर इमीडिएटली नॉट एक्सीडिंग टाइम लिमिट इन केस ऑफ सुसाइड। देखिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा टॉपिक था राइट टू अरेस्टेड पर्सन, लेकिन मैं बताता हूँ इसे। देखिए ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा क्या पूरा रिलेटेड है। देखिए जब भी कोई सुसाइड होता है, इसने सुसाइड कर लिया, तो जितनी जल्दी हो सके पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो उतनी ही जल्दी उस स्पॉट पे पहुंचेगी। और 174 सीआरपीसी 174 के तहत
ये 174 में दिया हुआ है, सेक्शन 174 में, कि कोई भी सुसाइड हो तो पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगी, जांच करेगी कि प्रथम दृष्टया, ठीक है, ये जो है ये क्या लग रहा है, कहाँ 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 चोट के निशान है और आसपास कौन था, ये सारी चीजें इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगी, उसका मेडिकल एग्जामिन होगा उसकी बॉडी का, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम होगा, ऑटोप्सी रिपोर्ट बनेगी, ये सब तो होगा ही होगा, ठीक है। और 175 के अंदर क्या है, जांच भी कर सकती है, समन जारी कर सकती है जिसके ऊपर शक है कि ये इसके बयान लिए जाएं। अभी सुशांत सिंह राजपूत में जो मुंबई पुलिस कर रही थी वो 175 के ही तहत कर रही थी, मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में कर रही है वो 174 के तहत उसने जांच की, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई इंक्वेस्ट की। और 175 में आपने देखा महेश भट्ट और उसके मैनेजर और इन सब चीजों, इन सब लोगों को बुलाकर उसने बयान लिए, तो ये किस अधिकार था, ये कौन सा सेक्शन के तहत था, सेक्शन 175 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर था ये। और देखिए, अगर आपको परिवार वालों को शक है कि किसी ने उसे क्या किया है, उकसाया है, तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत, जब आपको पता चला, जब आपको पता चले किसी ने सुसाइड किया है और आपको किसी पर शक हो कि इसी ने अबेट किया है उसे, तो आप तुरंत FIR दर्ज करा सकते हैं। और FIR अगर नहीं दर्ज करे, 154 के तहत अगर FIR नहीं दर्ज कर रही है, तो फिर वही तरीका है कि आप SP के पास जाइए, अगर SP भी नहीं सुन रहा है तो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाइए। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, whether delay in filing FIR amount to negligence police duty in case of FIR। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पुलिस ने FIR नहीं दर्ज करी टाइमली और उससे आपको कुछ irreparable damage हो गया, अपूर्णीय क्षति हो गई उससे, बिल्कुल ये negligence है पुलिस के पार्ट पे। ये ललिता को एक केस हुआ था, इसमें देखिए मैं बताऊं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP का केस हुआ था इसमें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी ये गाइडलाइन जारी की थी, ये रूल जिसमें दिया था, रूल किया था कि एज वेल एज, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पुलिस को ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या करेगी, तुरंत FIR दर्ज करेगी, किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी, किसी प्रकार की जांच कि ये जेन्युइन है कि फेक है, ये किसी में नहीं पड़, ये किसी चक्कर में नहीं पड़ेगी। ये इस चीज को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो वो क्या करेगी, बिना किसी देरी के, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, तुरंत उस FIR को दर्ज करेगी इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर ऐसा नहीं करती है तो वही प्रोसीजर कि आप SP के पास जाइए, या फिर उसके बाद अगर वो भी ना नहीं आपकी सुनता है, लेट करता है, तो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाइए। और अगर ये नहीं हो पा रहा किस तरीके से, तो मुकदमा तो चलेगा ही एट लास्ट, तो आप जब आपका ट्रायल चले तो आप अपने वकील को बताइए, आप अपने वकील को बताइए, वकील आपकी ये सब बातें जो आपके राइट वायलेट हुए हैं एज ए इंडिविजुअल, आपके एज ए एक्यूज्ड, एज ए अरेस्टेड पर्सन, आपके जो राइट वायलेट हुए हैं वो जज के सामने कहे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बेल वगैरह में बेनिफिट मिलता है इस चीज का, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन के जो आरोप होते हैं वो तो आरोप थोड़े हल्के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें, ठीक है, आपको बेल मिलना आसानी रहेगी। जब देखिए भाई, जज को जब ये लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको अनलॉफुल अरेस्ट किया गया है, आपका मेडिकल एग्जामिन नहीं हुआ है, आपको वकील से नहीं मिलने दिया गया है, ठीक है, आपको ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं, तो ये जब चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें, तो आपको बेल मिलने में आसानी रहती है, आपका केस हल्का हो जाएगा इससे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ पुलिस आस्किंग एनी वे वाई आर स्टैंडिंग और हिज पर्सनली वांट्स टू अटैक विद यू, व्हाट टू डू एट टाइम। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कि मान ली, मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो जिसका क्वेश्चन है वो बोल सकता है कि मैंने क्या समझा इस क्वेश्चन को पढ़ के, कि अगर कहीं पे आप खड़े हैं, अगर आपको पुलिस कह रही है कि जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो आपको, तो उस स्थिति में आप क्या करें। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, दूसरा क्वेश्चन है कि पुलिस पर्सनली वांट्स टू अटैक विद यू, क्या है कि आपके साथ अटैक करना चाहती है या अटैक कर रही है, तो उस स्थिति में क्या करें। चलिए मैं बता देता हूँ मुझे जो समझ में आया। देखिए कहीं पे आप खड़े हैं मान लीजिए, और ऐसा कोई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उस टाइम कोई ऑर्डर नहीं ऐसा है कि अभी देखिए, अभी तो पैंडेमिक चला रहा, अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में अगर आप बाहर खड़े रहेंगे और भीड़ लगाएंगे या फालतू में घूमेंगे
तो फिर तो पुलिस वाले आपको जो है कहेंगे ही कि जाइए अंदर, और उनके कहने का तरीका आप जानते हैं सबको किस तरीके से कहते हैं, तो तब तो आप तो आपसे कह सकेंगे। लेकिन अभी जब लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो आप कहीं भी खड़े होइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि वहां पर आप किसी सरकारी काम में बाधा ना पहुंचा रहे। अब ये नहीं कि आप पुलिस के रोड के बीच में खड़े हो गए, ठीक है, गाड़ियां जा इनको रोक रहे हैं, फिर कह रहे पुलिस वाले हमें क्यों भगा रहे हैं, तो तब तो भगाएगी। आप किसी किसी काम में बाधा ना पहुंचाएं, ठीक है। आपका राइट तब तक ही है जब तक आप किसी दूसरे का राइट वायलेट नहीं करते हैं। अब अगर आप रोड के बीच में खड़े हो गए और कहें मेरा तो भैया वो है, ये मेरा राइट है कि हम जहाँ खड़े हो, ये मेरा 19 में दिया मूवमेंट है, हम कहीं भी जाएं, ये फंडामेंटल राइट है, तो आपका वो तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे का रोक नहीं रहे हैं। अगर आप रोड के बीच खड़े हैं तो दूसरे को रोक भी तो रहे हैं कि वो अपनी, तो पुलिस फिर कहेगी और कहेगी कैसे, ये बताए ना कैसे कहेगी। फिर दूसरा देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि पर्सनली अटैक विद जो अटैक, देखिए अगर इधर तत्काली में बात कर रहा हूँ, किसी प्रोविजन कोई कोड कोई आर्टिकल अभी नहीं जा रहा हूँ, सलाह भी मान सकते हैं आप कि इस कंडीशन में पुलिस आपसे कभी कुछ कहे कि यहाँ मत खड़े हो, यहाँ चले जाओ, खिड़की बंद करो, मोबाइल अंदर रखो, ये करो वो करो, तुरंत एट अ टाइम पुलिस की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो पुलिस से भिड़ना ये बेवकूफी है। तो अगर आप बहस कर रहे हैं फालतू की, नहीं नहीं कानून झाड़ रहे हैं, ये संविधान के अधिकार दिया है, पुलिस ने पुलिस नंबर मारेगी, तो ये सब चीजें जो होती है ना, तो एट अ टाइम पुलिस की बात माननी चाहिए, जो आपके अधिकार है, ठीक है, आप उनको आराम से अपने अधिकारों का अधिकार एंजॉय कीजिए। आपको अथॉरिटी में जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, इज जुडिशरी अकाउंटेबल टू पीपल, बिल्कुल बिल्कुल के प्रति, ये कोर्ट वगैरह है जो प्रॉपर्टी है हिंदू मैरिज है, सब प्रति, और ये सब किससे पावर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के प्रति, वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, हम लोग। तो इस प्रोसेस से ये जो चैन बनी हुई ना, आप चैन देख रहे हैं कि जुडिशरी किसके हिसाब से निर्णय लेती है, कोर्ट के जरिए, ये कोर्ट जो है, नियम जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, इनके जरिए जुडिशरी अपना निर्णय देती है। तो वो सब कहाँ से पावर लेते हैं अपनी, वो कहाँ से, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के संविधान से, और भारत का संविधान के उसमें लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो हमसे पावर लेता है, और हम कौन, आप सब लोग कॉमन मैन। तो यस, जुडिशरी इस तरीके से अकाउंटेबल है, बिल्कुल है। अच्छा, कपिल शर्मा जी का एक और सवाल था कि उनको जो आपने वारंट वाला बताया था कि पुलिस वारंट और नॉन वारंट के केसेस में उठाती है, तो उसके बारे में एक बार वारंट वाले केस का रिपीट बता दीजिए, उनको दोबारा सुनना था। अच्छा, वारंट वाले केसेस में देखिए, वारंट वाले केसेस में क्या होता है, जब पुलिस के पास कोई आपको एक्यूज बना के आपके प्रति, आपके खिलाफ जब कोई कंप्लेंट जाती है, और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उस स्थिति में क्या होता है कि पुलिस वाले सीधे आपको अरेस्ट करने नहीं आ सकते हैं, वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेंगे, उनसे वारंट इशू कराएंगे, ठीक है, उसको बोलते वारंट ऑफ अरेस्ट। तो उस वारंट को फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जो वारंट में लिखा होगा, और वारंट में क्या लिखा होगा कि आप, पुलिस अरेस्ट करेगी आपको, ये चक्कर होता है उसमें। हाँ, और एक और आनंद जी का सवाल था कि व्हाई डू क्रिमिनल्स नीड राइट्स व्हेन दे हैव क्रिमिनली वायलेटेड द राइट्स ऑफ अदर्स। देखो देखो बताएं, इसका एक सीधा सा एक लाइन में आंसर है इसका, कि भारत का इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम क्या है, ये एक चीज मानता है, क्या मानता है, कि भले ही सैकड़ों दोषी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति ना फंसने पाए। इसलिए जो इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, तो वो एक्यूज्ड के प्रति, अरेस्टेड पर्सन के प्रति बहुत ज्यादा लीनियंट है। इसलिए लीनियंट है कि गलती से भी, कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक के जरिए भी कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिल जाए, इस चक्कर में ये होता है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आनंद अभिषेक जी कि क्रिमिनल का राइट वायलेट उन्होंने दूसरे का किया है, जो क्वेश्चन है उनका, तो ये तय कैसे होगा कि मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने किसी को 5-6 लोगों को मार दिया मेरे ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ, तो क्या आनंद जी ये चाहते हैं सीधे गोली मार दी जाए,
तो ये तय कैसे होगा कि हमने वो अपराध किया है? वो होगा जब जज बोलेगा, और जज कब बोलेगा? जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल के एंड में इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस अपना काम करेगी, एविडेंस ये जाएंगे, हम अपना डिफेंस लेंगे, मेरा वकील खड़ा होगा, वो उन चीजों को नकारेगा, किन चीजों को? आरोपों को, आरोप कौन लगाएगा? प्रोसिक्यूशन, तो उन चीजों को नकारेगा, फिर जो जज अपना निर्णय देगा उसके आधार पर तय होगा कि हम गिल्टी हैं या नहीं है। अगर हम गिल्टी हैं तो हमें सजा मिलेगी, अगर गिल्टी नहीं है तो लोग कुछ भी कहते रहे कि हमने वो किया ये किया, लेकिन हम नहीं गिल्टी है तो नहीं गिल्टी है, बात काम खत्म। और किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पर अगर कोई गिल्टी नहीं है पर वो अपने आप को नहीं कर पा रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए क्या रेमेडीज उपलब्ध है? इसके लिए जब उसे गिल्टी करार दे दिया मान लो कोर्ट ने, तो उसके लिए अपील कर सकता है, ठीक है, और रिवीजन में जा सकता है, ठीक है। बेसिकली सबसे ज्यादा ये है कि अपील में जा सकता है, वो अपील कर सकता है, तो अपील में भले एक बार हो सकता है कि वो कुछ एविडेंस मिले जिससे वो निर्दोष साबित हो सके। बाकी देखिए क्या होता है ना, सुनिए सुनिए मैं बताऊं कि लॉ की फील्ड में सच वही है जो प्रूव हो सके, ठीक है, बाकी बाकी सब झूठ है। सच क्या है? जिसका आपके पास सबूत है कि हाँ ये ऐसा हुआ है या ऐसा है या ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था, वो सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। शैलजा शुक्ला जी का सवाल है, एक्सप्लेन आर्टिकल क्लॉज वन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं समझ गया समझ गया। तो शैलजा जी अभी जुड़ी हुई हैं? अच्छा अच्छा, देखिये ये आर्टिकल 20 क्लॉज वन क्या बोलता है, इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस nor be subjected to a penalty greater than that which might have been। अच्छा अच्छा ये ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपने अभी कोई एक्ट किया, अभी कोई आपने एक्ट किया, तो आज के कानून के हिसाब से, आज की आईपीसी के हिसाब से, आज के सीआरपीसी के हिसाब से, वो कानून, वो जो आपने एक्ट किया है वो ऑफेंस नहीं है। तो बाद में ऐसा नहीं होगा आपने आज कोई एक्ट किया और बाद में परसों कोई सरकार कानून ना दे कि जो आपने परसों एक्ट किया था वो ऑफेंस है, आपको सजा मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब हम कोई एक्ट कर रहे हैं वो अगर उस टाइम पे ऑफेंस है तो हमें उसी की सजा मिलेगी, बाकी हमें सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। वो ऑफेंस तभी से कंसीडर किया जाएगा जब सरकार उसको इंसर्ट करेगी आईपीसी में। एक मिनट, एक और सवाल आ गया है, आप लेना चाहेंगे शुभम जी सवाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल है, सवाल लाओ। का दिक्कत सवाल है कि आफ्टर हाउ मच डेज an arrested person request for medical verification for his injury during the arrest। देखिए वैसे 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 क्या है कि ये डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में एक रूल, एक गाइडलाइन है कि हर 48 घंटे पे अगर कोई अरेस्टेड पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो हर 48 घंटे में, 48 घंटे मतलब क्या होगा, दो दिन, हर दूसरे दिन, हर 48 घंटे के बाद उसका मेडिकल एग्जामिन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगा। अगर जो अरेस्टेड पर्सन है वो अगर फीमेल है तो किसी फीमेल डॉक्टर के, फीमेल मेडिकल ऑफिसर के या उसकी सुपरविजन में उसका मेडिकल एग्जामिन होगा, ठीक है, ये गाइडलाइन है। तो अगर आपकी ये फॉलो नहीं होती है तो निश्चित रूप से आप जो है हायर अथॉरिटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, बिल्कुल हर 24 हर 48 घंटे में मेडिकल आपका होना चाहिए अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं तो। एनी मोर क्वेश्चंस? धन्यवाद शुभम जी आपका इतना ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। अब हमारा लव अमन जी से अनुरोध है कि जो मीटिंग के होस्ट हैं कि मीटिंग को कृपया करके अंत करें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड।